पदाधिकार रहेगा, इसकी माहिती हम लोग पुलिस प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस, जितने भी सरकारी यंत्र है, यंत्रणा है, उसको माहिती देंगे बाजाप्ता आई कार्ड के नंबर के साथ कि यही हमारा अधिकृत पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है। नाराजगी है नहीं है ऐसा बोलते नहीं आएगा, वो नाराज लोगों को हमको मनाना पड़ेगा, कहने के उनको अर्जिस्ट करना पड़ेगा। और औरंगाबाद शहर में भी जितने माइनॉरिटी के पुराने आजू और माजी है, मेरी अपील है कि वो साथ में आए। आज का जो प्रोग्राम रखा गया वो हमारे सलीम साहब की अपॉइंटमेंट, शेरुबे के अपॉइंटमेंट के लिए रखा गया, और साथ ही साथ में ये जो बोगस प्रक्रिया चल रही है अपॉइंटमेंट करने की, जिनको राइट्स ना होते ये भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो जो मोहम्मद कासब की अपॉइंटमेंट है वो लीगल अपॉइंटमेंट है, जो कार्याध्यक्ष ने अपॉइंटमेंट किए वो सारे इलीगल है, उसको सेंटर कमेटी ने स्टे दे चुकी है। तो तकरीबन 40 के ऊपर अपॉइंटमेंट निकली है जो इलीगल है। ये हबीब हमारे, हाँ नाम बताता हूँ, जावेद हबीब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। जावेद हबीब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, इनको संविधानिक कोई राइट्स नहीं है, ये नेशनल प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद विदोरी साहब ने क्लियर कर दिए, उसके बावजूद भी वो लगातार अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जिनको महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी का कोई अप्रूवल नहीं है, मोहम्मद कासब की कोई संमति नहीं है, इसीलिए वो सारे इलीगल्स है, उनका कोई राइट्स नहीं है। इसीलिए हमने तय करे कि हमारा जो राष्ट्रवादी माइनॉरिटी का पदाधिकारी होगा वो आई कार्ड धारक होगा, उनको बाजाब्ता आई कार्ड दिया जाएगा, ये हमारा तय हुआ। जो आई कार्ड रहेगा वो हमारा पदाधिकारी रहेगा, इसकी माहिती हम लोग पुलिस प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस, जितने भी सरकारी यंत्र है, यंत्रणा है, उसको माहिती देंगे बाजाब्ता आई कार्ड के नंबर के साथ कि यही हमारा अधिकृत पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, इसके विपरीत हमारा कोई माइनॉरिटी का पदाधिकारी नहीं। रमजान के बाद इंशाल्लाह शहर और जिला की कार्यकारिणी दोनों डिक्लेयर हो जाएगी। तो नाराज लोगों को कहीं ना कहीं समावेश करके लेना पड़ेगा। कुछ लोग, आप जानते हैं कि मैं पिछले 23 साल से राष्ट्रवादी में हूँ, एक निष्ठा से काम कर रहा हूँ, ना इधर ना उधर, सिर्फ राष्ट्रवादी का एक सिपाही बोल के काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। नाराजगी है नहीं है ऐसा बोलते नहीं आएगा, वो नाराज लोगों को हमको मनाना पड़ेगा, कहने के उनको अर्जिस्ट करना पड़ेगा, कहने के साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं ये कदम उठाऊंगा, महाराष्ट्र भर में ऐसे ही नहीं, महाराष्ट्र भर के अंदर जो नाराज लोग हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पुराने लोग, और औरंगाबाद शहर में भी जितने माइनॉरिटी के पुराने आजू और माजी है, मेरी अपील है कि वो साथ में आए, एक निष्ठा से राष्ट्रवादी का झंडा ले और हमारे साथ मिलकर काम करे, ऐसी मेरी आपसे, आपके माध्यम से उन लोगों से दरखास्त है। हाय, दिस इज एंकर एमसी माधुरी सांची, और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद।